चारों रेखाएं, चारों वक्रों की रेखाएं एक दूसरे को काटती, रेखा चित्र भी आपके सामने जो प्रदर्शित होगा उसमें बिंदु P संतुलन बिंदु है, जहां पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है, संतुलन उत्पादन MP है, उस उत्पादन स्तर पर औसत आय औसत लाभ के बराबर लागत के बराबर है, अतः फर्म को केवल सामान्य लाभ या शून्य लाभ ही प्राप्त हो रहा होगा। अभी आपके सामने मैं रेखा चित्र प्रदर्शित करता हूं, ये देखिए जैसा भी उन्होंने सामान्य लाभ का इससे पहले वाला भी रेखा चित्र देखा था, अल्पकाल की अवधि में लगभग वही ये रेखा चित्र रहता है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर की स्थिति नहीं आती, क्योंकि दीर्घकाल में से भी हम लोगों ने चर्चा में देखा भी कि अगर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कुछ फर्में उत्पाद कर रही है तो कुछ नई फर्में उसमें जुड़ेंगी और जो सामान्य लाभ की स्थिति है वापस सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएगी, और अगर उसमें आगे आगे जब सामान्य लाभ होने लगेगा तो कुछ अकुशल फर्में जो होंगी वो बाजार को छोड़कर चली जाएंगी, जिससे कि वापस जो फर्में उस व्यवसाय में लगी हुई हैं उनको फिर से सामान्य लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं हमारी जहां पर फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अब उद्योग का दीर्घकाल में क्या स्थिति होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दीर्घकाल में उद्योग का साम्य, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण साम्य की अवस्था में उस समय होती है जबकि ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली, उद्योग की प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से साम्य अवस्था में हो या उस उत्पादन की मात्रा पर होगी जहां पर की सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो और सीमांत आगम रेखा को ठीक साम बिंदु के नीचे से काटा जा रहा हो, जैसा भी आप लोगों ने रेखा चित्र में देखा भी था। फर्मों की संख्या में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं आएगी या उस